हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में कोल्ड ड्रिंक व्यापारी के साथ पिस्तौल की नोक पर लूट। पुलिस ने नाकाबंदी कर बदमाशों की शुरू की तलाश। बाड़मेर जिले में बीती रात एक व्यापारी के साथ पिस्तौल की नोक पर लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। बिना नंबर की गाड़ी में आए अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी के साथ मारपीट कर पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बाड़मेर शहर में बीती रात बिना नंबर की गाड़ी में सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने एक व्यापारी के साथ लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस के अनुसार राय कॉलोनी निवासी कोल्ड ड्रिंक व्यापारी सुंदर कुमार सेंट पॉल स्थित अपने कोल्ड ड्रिंक के गोदाम पर काम निपटाने के बाद 1 बजे कैश कलेक्शन और लैपटॉप लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। गांधीनगर इलाके में बिना नंबर की गाड़ी में सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी को रुकवा कर मारपीट कर बैग छीन लिया और भाग गए, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पीड़ित कोल्ड ड्रिंक व्यापारी सुंदर कुमार ने बताया कि रात करीब 11 बजे ऑफिस सेंट पॉल स्कूल रोड से राय कॉलोनी अपने घर जा रहा था। इस दौरान उनके पास दिन भर का कलेक्शन जो करीब 6 लाख रुपए और लैपटॉप बैग था। गांधीनगर के पास बिना नंबर की गाड़ी में सवार होकर आए 4 से 5 लोगों ने बैग छीनने की कोशिश की। जब बैग नहीं छोड़ा तो पिस्तौल दिखाई और मारपीट करके बैग लेकर भाग गए। पीड़ित व्यापारी के अनुसार बदमाशों ने उनकी रैकी की होगी, तभी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। व्यापारी के अनुसार पिछले 10 सालों से इसी रास्ते से उनका आना जाना रहा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह जयवात ने बताया कि कोल्ड ड्रिंक व्यापारी के साथ लूट की घटना सामने आई है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद कोतवाली सदर पुलिस मौके पर पहुंची है। व्यापारी से घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी जुटाई है और टीम गठित कर बदमाशों की तलाश की जा रही है। घटना के बाद बाड़मेर सहित जिले भर में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश की जा रही है। जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।